एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस डे वन ऑफ द 30 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसे कि कहा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हैं हम, या इसे वीआईपी पॉइंट्स भी कह सकते हैं हम। आज से हमारी 5 डेज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो कि होने वाली है हिंदी में। ओके, उसके बाद 1 मई से होगी 5 दिन की हमारी इंग्लिश की ट्रेनिंग भी स्टार्ट। अगर आपने अभी तक इसके फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो फॉर्म्स भर लीजिएगा, तभी ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, वरना आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डे वन से। आज हम 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स हमारे स्टार्टिंग के जो है इनके बारे में जानने वाले हैं। सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है MIP1, ठीक है, नाम याद रखिएगा MIP1। इसकी लोकेशन कहाँ है? हमारे हाथों का, हमारा ये wrist joint से 3 फिंगर नीचे एग्जैक्टली सेंटर में आता है। देखिए, 3 फिंगर नीचे हमारे wrist joint के, और ये 4th से हमने एकदम बीचों बीच नाप लिया तो यहाँ पे ये आता है हमारा पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है P6। ये पॉइंट जो है बायलैटरल है, दोनों भी साइड्स पे आता है, तो आप इसे दोनों भी साइड्स पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का क्या उपयोग है? अभी लोकेशन हमने जाना, आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाकर रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। लोकेशन क्या है? 3 फिंगर्स अवे फ्रॉम दी रिस्ट जॉइंट, एग्जैक्टली इन दी सेंटर इज दिस पॉइंट, ठीक है, ये हमारा MIP1। तो अभी ये किस किस काम के लिए उपयोगी है इसके बारे में जानते हैं। तो खाना, जब हम खाते हैं और खाना डाइजेस्ट ना हो रहा हो आपका, या फिर आप चाहते हैं कि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, ठीक है, इसके लिए ये हेल्प करेगा। फिर अगर खाना वापस ऊपर आ रहा है, वापस ऊपर की तरफ खाना आ रहा है, आपने खाना खा लिया बट आपको खट्टी डकार आ रही है, और खट्टी डकार के साथ साथ ये खाना वापस ऊपर को आ रहा है, यानी कि एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये पॉइंट काम आएगा। खाने के बाद अगर आपको फील होती है नौजिया, यानी कि उल्टी जैसा फील होता है, जी मचलता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो उसके लिए ये पॉइंट काम आएगा, ठीक है। आपको ट्रैवल सिकनेस फील होती है, आप ट्रैवल करते हैं और आपको जो है उल्टी जैसा फील होता है, ठीक है, वॉमिट करने जैसा फील होता है, आप ज़्यादा देर बस में, ट्रेन में, प्लेन में नहीं बैठ पाते हैं, या बोट में नहीं बैठ पाते ज़्यादा देर, ठीक है, नाव में नहीं बैठ पाते हैं, तो इसके लिए भी ये आपको काम आएगा पॉइंट। फिर और क्या है इसका मेन वर्क? है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है, यानी कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करना, ये इसका मेन काम है, ठीक है। हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करने के काम आता है ये इसका। फिर सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है तो आपका लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी आपको, ठीक है, अगर आपका सर्कुलेशन ठीक होगा तो आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, यानी कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने के लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। आत्म ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए और इच्छा बढ़ाने के, यानी कि आपको मेडिटेशन करना चाहते हैं बट आपका जो ध्यान है ना वो लगता नहीं है किसी चीज़ पर, ठीक है। मेडिटेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, राइट, तभी आप मेडिटेट कर पाते हैं अच्छे से, बट आपका जो ध्यान नहीं लग रहा है, आप अपने ब्रीथ पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, ऐसी प्रॉब्लम में आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो खुद के ऊपर सेल्फ ध्यान को इंक्रीज करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सेल्फ ध्यान को बढ़ाने के लिए। अभी क्या होता है ना कि अगर हम सेल्फ ध्यान करते हैं, अगर हम ना आत्मा में क्या बोलते हैं, खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, खुद की खोज करते हैं, तो हमें ना अपना हिडन पोटेंशियल पता चलता है, यानी कि अंदर की हमारी क्या एग्जैक्टली, हमारी क्या छुपी हुई कुछ कलाकारी जो होती है अंदर की हमारी, ठीक है, कलाएँ होती है, छुपी हुई जो कलाएँ होती है उसे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए ये हेल्प करता है पॉइंट, ठीक है। रिलेशन सुधारता है, अगर आप ना स्व ध्यान लगाते हैं, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप सेल्फ क्या बोलते हैं हम सेल्फ ध्यान लगाते हैं, अगर आप खुद में ही क्या बोलते हैं, खुद में खोते हैं, आप खुद को जानना चाहते हैं, काइंड ऑफ फाइन, अगर आप वो करते हैं ना तो आप अंदर से ना आप एक पीसफुलनेस फील करते हैं, अंदर से आप एक शांति फील करते हैं, ठीक है। जब ये शांति आप फील करने लगते हैं ना, तो आपके रिलेशन जो होते हैं ना लोगों के साथ में, अभी आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, आपके वर्किंग रिलेशनशिप्स हो गए, तो उसमें क्या होता है कि आपको ना थोड़ा क्या बोलते हैं पेशेंस मिलता है, आप थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव अगर आप होते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो उसमें आप ना थोड़ा काबू कर पाते हैं ये सब चीज़ों को, ठीक है। अगर आपका मेडिटेशन अच्छा हो तो ये सब चीज़ों को आप काबू कर पाते हैं, आप थोड़ा शांत रह पाते हैं, काम रह पाते हैं, ठीक है।
एनर्जी लेवल को ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है, हमारी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए ये मदद करता है हमारी, और तो और हमारे तीनों दोषा को जो कि है वात पित्त और कफ, ये हमारे जो तीनों दोष है इन्हें भी ना संतुलित करने में ये मदद करता है। क्या करता है? संतुलित करने में मदद करता है हमारे वात पित्त और दोष को, ठीक है। और हमारा ये जो चेस्ट का एरिया है, ये वाला एरिया, इसे शक्ति प्रदान करता है। यानी कि चेस्ट में क्या क्या गया, हमारे लंग्स आ गए, हमारे हार्ट आ गया, ठीक है, इन सबको क्या करता है, शक्ति स्ट्रेंथन करता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर फीमेल में हार्मोनल बैलेंस हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो तो भी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। पॉइंट की लोकेशन हमारे wrist joint से 3 finger नीचे exactly in the center है ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट दोनों भी हाथों पर आता तो आपको क्या करना, आप प्रेशर देंगे रिलीज करेंगे, प्रेशर देंगे रिलीज करेंगे, प्रेशर देंगे रिलीज करेंगे, ऐसे आपको दोनों भी हाथों पर करना है। अभी मैंने जितनी भी प्रॉब्लम बताई उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को, जो दोनों भी हाथों पर ये पॉइंट्स आते हैं, इन्हें अपना 2-3 minutes डेली प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ना इसे 8-10 times ऐसे ही दिन में प्रेस कर सकते हैं, ताकि वो आपके जो पॉइंट्स अभी एक्टिवेट रहे तो आपको आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है। तो ये था हमारा MIP1 यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1, ठीक है। इसके बारे में अभी हमने जाना, मैं चाहूंगी कि आप प्रॉपर नोट्स बना के रखें ताकि आपको इनकी आइडिया रहे आप चले, ठीक है। हर बार आपको हमारा वीडियो आके बार बार ना देखना पड़े, आप सीधा बुक खोले और आपके पास इसके बारे में लिखा हुआ हो। सेकेंड पॉइंट MIP2, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अभी ये जो पॉइंट है ये आता है हमारे wrist joint के 1 finger नीचे टूवर्ड्स हमारी स्मॉल फिंगर, यहाँ आता है ये पॉइंट wrist joint का। ये देखिए हमने, ये मेरा wrist joint है, इसके नीचे मैंने एक मेरी इंडेक्स फिंगर रखी। अच्छा, ये पॉइंट्स को ना लोकेट करने का जो है ना आइडिया ये समझिए कि अगर मैं ढूंढ रही हूँ तो मैं मेरे ही 3 finger देखूंगी या मैं मेरे खुद के ही 1 finger, किसी और को नहीं बोलूंगी कि तू मुझे ढूंढ के दे ये पॉइंट, नहीं, ठीक है। आपको अपने खुद के ही फिंगर्स का माप लेना है, ठीक है। और अगर कोई और अपने बता रहे हो उन्हें करने के लिए, उन्हें भी कहिए कि भाई तू अपना ही फिंगर्स का माप ले और मेरे को बता कि ये पॉइंट कहाँ आता है वो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो wrist joint का ये 1 finger हमने नीचे रखा इंडेक्स फिंगर, और उसके नीचे जस्ट नीचे है ये पॉइंट टूवर्ड्स स्मॉल फिंगर। ये देखिए हमारी छोटी उंगली से नीचे नीचे जाते जाएंगे हम, तो ये हमारा wrist joint आया, इसके नीचे हमने एक इंडेक्स फिंगर रखी और यहाँ आया ये पॉइंट। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये पॉइंट भी ना दोनों ही तरफ आता है, हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे हमने एक लाइन, एक फिंगर का डिस्टेंस रखा, और उसके बाद जस्ट नीचे टूवर्ड स्मॉल फिंगर है ये पॉइंट, ठीक है। हमारी स्मॉल फिंगर के जस्ट नीचे है ये पॉइंट, यहाँ पर ये है हमारा MIP2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट 2। अभी ये क्या काम करता है, ये हमारे हार्ट का बेस्ट पॉइंट है, ठीक है, हार्ट के लिए ये बेस्ट पॉइंट है। हमारे हार्ट को ना स्ट्रेंथन करता है, हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करता है। कोई भी, अभी कोई भी प्रकार के हार्ट का प्रॉब्लम, ठीक है, फिर इसमें और क्या क्या आएगा आपको, अगर ना बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जल्दी फील होती है, आपको स्टेज फियर होता है, आप स्टेज पे चढ़ के बात नहीं कर पाते हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम है, या आप बहुत सारे लोगों के बीच में बात नहीं कर पाते हैं, आप ग्रुप के बीच में बात नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है, आप 2-3 friends हैं आपके, बट बहुत ज़्यादा आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आपको डर होता है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम है, आपको फोबियाज है कोई भी प्रकार के, इसके लिए ये पॉइंट काम आएगा। आपको पब्लिक फियर है, आपको एग्जाम का डर लगता है कोई भी प्रकार से, ठीक है, चाहे वो बोलने की एग्जाम हो चाहे वो लिखने की एग्जाम हो, आपको उसका डर लगता है। आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, नॉट दिस, जल्दी रो पड़ना, छोटी छोटी बात पे अगर आप एकदम रो पड़ते हैं, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप एकदम जल्दी से रो पड़ते हैं, ऐसी प्रॉब्लम है, इसके लिए ये पॉइंट आएगा। फिर अगर आपको है स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, यानी कि हकलाने की अगर आपको प्रॉब्लम है, या जैसे कि मेनली ना पैरालिसिस की वजह से अगर आपकी ना आवाज़ चली गई है, आवाज़ में प्रॉब्लम है, वो टंग में, पता है टंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से आप बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही कारगर माना जाता है।
आवाज के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। अभी कई कई बार क्या होता है पता है कि हम ना स्टेज पे चढ़े जाते हैं या उसकी जो नर्वसनेस होती है स्टेज पे आने की वजह से, तो उसकी वजह से हम हकलाने लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो लोग भी ऐसे ना बात करते करते हकलाने लग जाते हैं, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आवाज चली जा रही है, आपकी आवाज की कोई भी समस्या, यानी कि अगर आपको आपकी आवाज अच्छी करनी है, ठीक है, आप जैसे कि अगर कोई एंकर है आप, तो आपको आपकी आवाज़ स्ट्रांग चाहिए, उसके लिए ये हेल्प करेगा। अगर आप कोई सिंगर है और आपको आपकी आवाज़ एकदम स्वीट स्मूथ चाहिए, उसके लिए भी ये पॉइंट हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी हार्ट रेट्स अगर बढ़ रही है या कम हो रही है, उसे भी ठीक करने के लिए ये हेल्प करेगा। अगर आपको फास्ट हार्ट रेट है, ठीक है, दिल जो है ना ये बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जब आपका हार्ट ना एकदम प्रॉपर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके पूरी बॉडी में अच्छे से होगा, ठीक है, और आपके ऑर्गन्स को, सारी ऑर्गन्स को अच्छा ब्लड मिलेगा। तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को ना आपको, ये जो है ये पॉइंट बायलैटरल है, दोनों भी हाथों पर आता है। अगर आपको इसकी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप ना इसे 2 से 3 मिनट दिन में रोज प्रेस करेंगे। और ऐसे मत समझिएगा कि मैंने आज स्टार्ट कर दिया तो 1-2 दिन में तो मेरे को बहुत आराम मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना ये सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, आपको 1-2 महीने का टाइम देना ही पड़ेगा। ये सिर्फ क्या है, मैं स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो 6-7 महीने भी लग सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट क्या आपको कुछ हार्म है क्या? नहीं ना, हमें सिर्फ 2 मिनट क्या करना है, दबाना है ये बैठे बैठे, हम ये टीवी देखते देखते भी तो दबा सकते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते भी हम दबा सकते हैं, राइट, इतना तो हम कर ही सकते हैं, फाइन। तो ये आप कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा MIP3। अभी ये पॉइंट कहाँ आता है, हमारी wrist joint पे ही आएगा ये, ठीक है। अभी इसका लोकेशन देखिए, हमारी wrist joint के 2 फिंगर नीचे, हमारी देखिए यहाँ पे, अभी हमने यहाँ देखा पॉइंट, अभी हम यहाँ देखेंगे नीचे। मैं आपको लोकेशन मार्क करके दिखाती हूँ वापस, ठीक है। हमारी wrist joint 2 फिंगर नीचे towards हमारे थंब के साइड पे नीचे यहाँ पे आता है हमारा ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है हमारा MIP3, ठीक है, हमारा MIP3 है ये। हमारे सर्वाइकल के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल यानी कि हमारे गला, ठीक है, इसमें हो जाए गला, यानी कि हमारा जो पीछे का होता है ना, हाँ, गर्दन, गला नहीं, गर्दन हमारी, इसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आपको इसमें जो है दुखाव हो रहा है, ठीक है, दुख रहा है आपको, इसका अकड़न जकड़न फील हो रही है इसके अंदर, इसके लिए ये हेल्प करेगा। हमारी सर्वाइकल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि देखिए हम ना एकदम आसानी से ऐसे मुड़ सकते हैं ना, इसकी जो क्षमता होती है इसे बढ़ाने में हेल्प करेगा ये। अगर बहुत देर तक अपना कंप्यूटर पे बैठते, कंप्यूटर पे काम करते हैं, या पूरा दिन अपना ऐसे बैठना पड़ता है आपको काम करने के लिए, आप ऐसे बैठते हैं पूरा दिन काम करने के लिए, तो क्या होता है इसमें स्टिफनेस आ जाती है गले में, ठीक है, वो मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही कारगर है, ठीक है, इसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। फिर अगर आपको है इम्यूनिटी बढ़ाना है, ठीक है, ठंड अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, आपको फीवर बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम है और आपको आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप ये पॉइंट को प्रेस करेंगे, ठीक है। शोल्डर में दर्द हो, ठीक है, हमारे कंधों में दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई है, उसे ठीक करने के लिए हेल्प करेगा। और तो और ना, जो भी जिन लोगों को भी डायबिटीज है और उसकी वजह से उनको ना उनके पैर के तलवों में जलन होती है, या हाथों के ये जो सोल है, सॉरी पाम है, इसमें जलन होती है, गरम गरम फील होता है, आग लग गई है ऐसा फील होता है, तो इसे दूर करने के लिए काम है। 2 ग्रेड फीवर हो जाए या बार बार अगर आपका गला खराब हो रहा है तो भी ये पॉइंट काम आएगा आपको। सांस छोड़ने की समस्या हो जाए, सांस तो आप ले अच्छे से पा रहे बट छोड़ना है, जो वापस बाहर निकलना है उसमें समस्या हो रही है अगर आपको, तो उसके लिए काम आएगा। फिर ना ओल्ड एज की समस्या, जैसे कि ओल्ड एज में क्या होता है कि अपना कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी फील होता है, आपका स्टूल जो है ना ये प्रॉपरली पास नहीं होता है, और पास हो रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है स्टूल, उसके लिए ये हेल्प करेगा। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को ना नरिश करता है, ठीक है, इसे जो है ना वापस अच्छे से काम करे, इसके लिए मदद करता है हमारी बड़ी आंत को, ठीक है। अभी हमारा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि हमारी सांस लेने और छोड़ने की जो पद्धति है, यानी जो हमारे नाक से शुरू होके हमारे लंग्स तक जाता है, ठीक है, इसके बीच में कोई भी प्रकार की अड़चन हो गई हो,
ठीक है, यानी कि कुछ जमा हो गया, जैसे कि कफ का जमा हो जाना यहाँ पे, उसे निकालने के लिए हेल्प करेगा ये, ठीक है। हमारे लंग्स के सांस लेते वक्त जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सांस छोड़ते वक्त जो ये रिलैक्स होते हैं ना, इनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाएगा, ठीक है। फीमेल्स में अगर प्रॉब्लम हो ब्रेस्ट लंग्स की, यानी कि छाती में गांठ हो जाए इसकी प्रॉब्लम हो, या अगर आप चाहते हैं इससे प्रिवेंशन, तो इसके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही कारगर माना जाता है। तो ये था हमारा MIP3, ठीक है, जो कि लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लंग्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करता है, और तो और हमारे सर्वाइकल, हमारे शोल्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट है हमारा MIP4, ठीक है। अभी ये कहाँ आता है, ये आता है हमारी बैक साइड ऑफ दी हैंड पे। चलिए जानते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। ये देखिए हमारी बैक साइड ऑफ दी हैंड, ठीक है, हमारी व्रिस्ट जॉइंट से हम दो फिंगर नीचे करें तो एग्जैक्टली सेंटर में आता है ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है MIP4, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट 4। वापस देखिए, हमारी व्रिस्ट जॉइंट से दो फिंगर नीचे, एग्जैक्टली दो फिंगर के नीचे, उसके बाद थर्ड फिंगर से आप ऐसे बीचों बीच ये पॉइंट दबाइए, तो यहाँ आता है हमारा MIP4। अभी इसके बारे में जानते हैं, ये सभी जो पॉइंट्स है ये बायलैटरल होते हैं, आपको सभी को 2 से 3 मिनट दबाना है अगर आपको इनमें से किसी की भी प्रॉब्लम हो तो। और दबाना कैसे, प्रेशर रिलीज, प्रेशर रिलीज, प्रेशर रिलीज ऐसे दबाना है। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्रिवेंशन के लिए 8 से 10 बार एक पॉइंट को दबा सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे हम दिन में 1 से 2 बार दोनों भी हाथों पर ये पॉइंट्स दबा सकते हैं। एक बार भी कह दो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो 2 से 3 मिनट अपना क्या कर सकते हैं, 1-1 मिनट एक एक बार ऐसे दिन में 2 से 3 बार आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को। बट याद रखिएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको इसे समय देना है, टाइम देना है और आराम से करना है, ओके। ये जो पॉइंट है हमारा MIP4, ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का बेस्ट पॉइंट माना जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और तो और हमारी जो लिम्फैटिक ग्लैंड होती है, हमारी लिम्फैटिक ग्लैंड को क्लीन करने के लिए काम करता है, उसमें से भी टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। कोई भी तरीके का फीवर जिसमें कि आपका फीवर जो है ना वो 101 के ऊपर हो, उन सभी फीवर के लिए आप ये पॉइंट का ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। फिर हमारे कानों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे कानों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। आपको कानों में से कम सुनाई दे रहा है, या आपके कान में से पस निकल रहा है, ठीक है, आपको आपको हो जाए मीनियर सिंड्रोम की प्रॉब्लम, आपको वोर्टिगो हो रहा है, कान दर के साथ साथ आपको चक्कर आ रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इन सभी के लिए पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये पॉइंट जो है ना, ये अगर आपको है, हमारे का जो ब्लड जो है ना इसका थिकनेस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। हमारा ब्लड जो है ना कितना पतला है या कितना जाड़ा है उसका थिकनेस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अगर हमारा ब्लड ना बहुत ज़्यादा पतला हो तो हमारी ब्लड प्लेटलेट जो है ना ये कम होती है, उसके वजह से ना आपको ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और अगर आपका ब्रेन जो आपका जो ब्लड है ना ये अगर बहुत क्लॉट वाला हो, ठीक है, बहुत ही जाड़ा हो अगर आपका खून, तो क्या होता है ना, तो हमें क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, गांठों जैसी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, ठीक है। फिर खून जो है ना ये यहाँ से वहाँ नहीं जा पाता है, ठीक है, अभी मुझे यहाँ से यहाँ जाना है बट बीच में कुछ रख दिया मैंने, तो मैं यहाँ से यहाँ जा पाऊँगी क्या, नहीं जा पाऊँगी। वैसे अगर क्लॉट बीच में स्टक हो जाए तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको ब्लड का जो आपका थिकनेस है ये मेंटेन रखना है, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, एकदम मिड में होना चाहिए, ठीक है, तो उसे मेंटेन करने के लिए भी ये पॉइंट बहुत ही कारगर माना जाता है। फीमेल्स में अगर माइग्रेन हेडेक की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेशली टेम्पोरल एरिया में अगर उनको माइग्रेन होता है तो इसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी को ना लैटरल साइड ऑफ द बॉडी यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो उसे दूर करने के लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा, बहुत ही कारगर है, ठीक है। सभी तरह की ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए मदद करेगा, सभी प्रकार की अड़चन जो होती है, हमारे खून में कोई भी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाए, हमारी वेन्स में, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए, इसे खोलने के लिए मदद करता है, ठीक है। हमारा 5th पॉइंट जो कि है MIP5, ये कहाँ आता है, ये आता है हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पर। चलिए इसकी लोकेशन देखते हैं। हमारी
जो स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर जो है इन दोनों के बीच में आप पीछे पीछे जाते जाए, तो ये जो हमारा नकल है ना, ये वाला नकल, ये जहाँ एंड होता है, ठीक है, पीछे साइड ये जहाँ एंड होता है वहाँ आता है ये पॉइंट टूवर्ड्स जो है ये हमारी रिंग फिंगर साइड है ये पॉइंट, ठीक है। ये किस किस चीज के लिए काम करता है ये पॉइंट, अगर हम इस बारे में जाने तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसे कि हमारी मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको स्टिमुलेट करने का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है, इसे स्टिमुलेट करने का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यानी कि अगर आपको हॉर्मोन्स के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें ये पॉइंट को जरूर आप ऐड कीजिएगा, जो कि है हमारा MIP5, ठीक। और तो और ना, ये हमारे पीनियल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को तो स्टिमुलेट करेगा ही, हमारी पीनियल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेगा, यानी कि आपके हॉर्मोन्स को अच्छे से बढ़ाएगा। तो अगर आपको हाइट गेन की प्रॉब्लम है, आपको वजन कम करना है, गेन करना है, इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइट गेन यानी कि कोई छोटा है हाइट में, आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये काम आएगा। वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है, इसमें भी आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। फिर हेयर फॉल के लिए अच्छा है ये पॉइंट, आपको हेयर जो है आपके लंबे घने मजबूत चाहिए है, मुलायम चाहिए, इसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। और तो और ना, ये हमारे सारे फाइव सेंस जो होते हैं ना, उन्हें स्टिमुलेट करता है, उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है। हमारे फाइव सेंसेस कौन से, हमारा एक तो है हमारा देखिए माउथ, नोज, ठीक है, मुंह से हम जो खाते हैं, ठीक है, हमारा नोज जिससे हम स्मेल लेते हैं, हमारे कान जिससे हम सुनते हैं, हमारी आंखें जिससे हम देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और तो और हमारी स्किन जो कि टच को फील करती है, राइट, इन सारी चीजों को जो संभालता है, जो एक्टिवेट करता है या जो देखता है वो कौन है, तो ये हमारा MIP5 है, ठीक है। अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो तो उन्हें भी ताकत देने के लिए ये पॉइंट हेल्प करता है। तो ये था हमारा MIP5, ये था हमारा day 1 ऑफ दी वर्कशॉप, ठीक है। मुझे आई होप कि आपको ना ये वीडियो पसंद आया हो, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये पसंद आया है करके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलेंगे और नए वीडियो के साथ।